झारखंड की 30 लड़कियों तमिलनाडु झारखंड झारखंड की 30 लड़कियां तमिलनाडु में फंस गई हैं। इन लड़कियों ने तेनुघाट के आईटीआई भवन में दीनदयाल उपाध्याय कौशल मेगा स्किल सेंटर में प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के बाद इन लड़कियों को तमिलनाडु भेजा गया था। तमिलनाडु में फंसी गोमिया की 30 लड़कियों के अभिभावक अब अपनी बेटियों के लिए घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लड़कियों को अपने अभिभावकों से बात करने नहीं दिया जा रहा। लड़कियों के मोबाइल फोन भी छीन लिए गए हैं। वो सब तमिलनाडु में किस हालत में हैं? इस बात को लेकर सभी अभिभावक चिंतित हैं। बेटियों की घर वापसी को लेकर प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों से बात की गई, लेकिन इस पर अधिकारियों ने अब तक कोई पहल नहीं की है। वहीं मामला संज्ञान में आते ही पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने तेनुघाट के प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर वहां के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और सभी लड़कियों को जल्द सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित कराने को कहा है। काम करने सीखने के लिए लग ले। अच्छा, और क्या हो रहा है उन लोग के साथ में? क्या पता होगा, पर अभी ठीक नहीं है, छोड़ रहा। तो बेटी से बात होता है? हाँ, होता है। क्या बोलती है वो, क्या हो रहा है उसके साथ में? वो नहीं रहा है कुछ। मतलब क्या वहाँ पर कष्ट दे रहा है, क्या कर रहा है? कष्ट करता है, गरीब आदमी है। मैंने इसलिए हमारा बेटी ने कहा कि पापा हम जाएंगे काम करने के लिए, और ऐसे काम करेंगे और आप लोग घर में रहिए। कमजोर हो गया, घर आना तो चाहती है, मगर उस साथी सुबहगा और वहाँ छुट्टी देगा तब ने। पैसा तो दे रहा है कम बेसी, 7000 देता है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी राजकुमार जुड़े हैं फोन लाइन पे। राजकुमार, बातचीत हो रही, अभिभावक बता रहे हैं कि लड़कियां वहां फंस गई हैं, उनको अपने अभिभावकों से बात भी करने नहीं दिया जा रहा, क्या प्रशासन ने कोई पहल की है अब? अभी तक तो प्रशासन की ओर से पहल कुछ नहीं दिखी है, और जो है सो वर्तमान में पूर्व विधायक गोमिया जो सरकार के समन्वय समिति के सदस्य भी हैं, उन पर उनके पास जाकर लोग जो है सो मामला से अवगत कराया था, तो उन्होंने कुछ प्रयास किए हैं, और आनंद फानन में कंपनी कुछ गलत निर्णय ली है। अभी तत्काल सूचना ये मिल रही है कि उस कुल सात लड़कियों को त्रिपुरा स्टेशन में बीती आधी रात को अकेले स्टेशन में छोड़ दिया गया है। जो अभी लड़की जो है तो वीडियो हमारे पास भेजी है, जो अभी मैं अभी तुरंत अब आपको हम अवेलेबल कराऊंगा, तुरंत भेजी है। और वो लोग अपने जो है तो काफी परेशान हैं और अपनी सुरक्षा का गुहार लगा रही हैं। और सारी जो लड़कियां हैं, कुल 27 लड़कियां हैं, जो गोमिया के आसपास के क्षेत्रों से कार्य करने के लिए सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेकर संबंधित कंपनी में पहुंची थी, लेकिन उन लोग के साथ दुर्व्यवहार का आरोप परिजनों ने लगाया है और उनको छुड़ाने की बात कह रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।